वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आपने साड़ी डाली हुई है और आपको फ़ोटो क्लिक करानी है, तो अक्सर हम लोग अगर हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमारी फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आती। अगर हेयर स्टाइल हमारा ओपन रहता है तो हमारे फेस को फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं यही आज टॉपिक लेके आई हूँ कि साड़ी पे अगर फ़ोटो क्लिक करवानी हो तो किस किस टाइप की हेयर स्टाइल सूट करेगी आपके फेस पे। तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी है, इजी तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए ये हेयर स्टाइल रहेंगे सारे। साड़ी पे फ़ोटो क्लिक करवाना है तो ये बहुत ही आसान हेयर स्टाइल है सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपली अपने सारे हेयर्स को इस तरीके से एक साइड, जिधर भी आपका फेस पे आप हेयर अपना करते हो उधर से रखो। आपको नीचे से नहीं लेना, यहाँ से हेयर उठाना है। ये देखिए इतने हेयर उठा लेने हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है इनको, हल्का सा पुल करना है और यहाँ पे एक क्लिप लगा देना है। ओके, जिससे कि आपकी फेस को काफ़ी अच्छी फ्रेमिंग मिलेगी और आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा लगेगा, आपकी फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आएगी। और इस साइड के हेयर को आप सिंपली सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाओ और यहाँ पे एक क्लिप लगाओ, थोड़ा सा मतलब बाउंसी सा पॉपी सा लुक रखना है, ज़्यादा चिपकाना नहीं है। ओके, दैट्स इट। आपका यहाँ पे हेयर निकाल लीजिए। अब इस पर आप अगर फ़ोटो क्लिक करवाते हो तो आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा आएगा। किसी भी साइड से ले लो, यहाँ से ले लो या फिर इस साइड से ले लो, किधर से भी आप फ़ोटो क्लिक करवाओगे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको फ़ोटो क्लिक करानी है तो इसके लिए तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर्स भी निकाल सकते हो ताकि और भी अच्छा लुक आ जाएगा। ये चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। साड़ी पे अगर फ़ोटो क्लिक करानी है तो किस तरीके से करें हेयर स्टाइल, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। आपको बीच की मांग रखनी है तो आप कैसे करोगे, ये तो साइड मांग के लिए हो गया था। बीच की मांग रखनी है तो सिंपली आपको बीच की मांग पहले निकाल लेनी है इस तरीके से। सारे हेयर्स को आप फ्रंट आगे की तरफ करके ऐसे भी फोटो क्लिक करा सकते हो, और चाहो तो थोड़े थोड़े हेयर्स को इस तरीके से लेके ऊपर की तरफ जाओ और यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब इस तरीके से थोड़ा सा इस टाइप का लुक आएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस सिंपली आपको यहाँ पे क्लिप लगा देनी है। दो क्लिप लगा दीजिएगा ताकि आपके हेयर खुल ना जाए और लेयर्स निकाल लीजिएगा अपने फेस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको फोटो क्लिक करानी है साड़ी पहन रखी है तो जैसे भी आपको पोज देना है उस तरीके से देखिए, ये भी हेयर स्टाइल के साथ फोटो क्लिक करा। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल में क्या करना है, आपको सिंपली अपने बालों को पफ का लुक देना। अगर आपका फेस लॉन्ग है तो आप ये थर्ड वाला हेयर स्टाइल स्किप करिएगा, लॉन्ग फेस पे पफ नहीं बनाना चाहिए। इस तरीके से अपने क्राउन एरिया पे हेयर को लीजिए, सिंपली आगे की तरफ पुल कर दीजिए और दैट्स इट। ये साड़ी हुए सूट पे इस तरीके से आप फोटो क्लिक करवाने के लिए हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अपनी लेयर्स निकाल दो, साइड मांग बीच की मांग आपकी चॉइस है, वैसे साइड मांग ज़्यादा सूट करता है। बस ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। आप चाहोगे इधर से भी लेयर्स निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, अगर आपको गर्मी लग रही है और आप कहीं जा रहे हो तो अगर गर्मियों का सीजन है तो आप बाल ओपन करके तो नहीं जा सकते हो, तो आपको क्या करना है, हल्का सा पफ का लुक दे रहे हैं। ओके, जितना लेयर आपको निकालना है वो आप निकाल लीजिएगा, लेयर निकालना जरूरी है अगर आप फोटो क्लिक करवानी है आपको। ओके, तो इस तरीके से पफ को बना लेना है और लेयर्स इस तरीके से निकाल लेनी है आपको और क्लिप से इसको सेट कर देना है। इसके बाद आप चाहो तो अगर आपके बाल बहुत लॉन्ग हैं तो आप सिंपली बहुत सारे ब्राइड की वीडियो मैंने अपने चैनल पर
की हुई है उस तरीके की ब्राइड बना लीजिएगा, और अगर शॉर्ट है तो आप हाई बन या फिर लो बन इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर फ़ोटो क्लिक करवानी है तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बाल ओपन रखें, ओपन बालों में फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, चाहे फेस किसी भी टाइप का हो। यहाँ पे आप एक ब्लशर लगा दो, तो इस तरीके से भी आप बाहर जा सकते हो और अपनी फ़ोटो क्लिक करवाओगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपका। ओके, ये तो हो गया हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल। पाँचवें में आपको क्या करना है, सिंपली सारे बालों को कभी करके भी जाना है, और अगर आपको गर्मी लग रही है, वैसे गर्मियों के दिन में बाहर जा रहे हो तो, बाकी अगर सर्दियों में जा रहे हो या मौसम ठीक है तो आप कोशिश कीजिएगा कि बालों को खुला रखा जाए। इस तरीके से सारे बालों को ले लेना है और एक रबड़ लगा देना है। कल मैंने ये हेयर स्टाइल बताया था ब्रुनेट से, किस तरीके से आप अपने बालों को बड़ा और अच्छा लुक ले सकते हो, तो एक ब्रुनेट ले लीजिए इस तरीके से, तो बालों को रबड़ बैंड के ऊपर लगा दीजिए, हाफ हाफ हेयर कर लीजिए और ब्रुनेट को अच्छे से ढक दीजिए। ढकने के बाद से आप सिंपली इसको ट्विस्ट करिए, तो थोड़ा सा और हाई ले सकते हैं फोन को, जैसे जीओ सिंह से आप इसको सेट कर दीजिए। और आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, इससे आप फोटो क्लिक करवाओगे तो भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा, और पार्टी में शादी में भी आप ये बन बना सकते हो। ये बन नई नई दुल्हन पे भी काफ़ी अच्छी लगेगी और पल्लू के साथ भी आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ जाएगी, ये देखिए। कैसी लगी आपको ये साड़ी हेयर स्टाइल, पाँचों हेयर स्टाइल? आपको अगर फ़ोटो क्लिक करवानी है साड़ी पे, सूट पे, गाउन ड्रेस पे, ये सारे हेयर स्टाइल आइडियाज़ आप ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये सारे आइडियाज़ जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा वो भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स, अगर आपको सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड हो आप तो उस चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं उस चैनल पे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो और भी अच्छी डिजाइनर वीडियो लेकर आऊँ। ये ब्लाउज की वीडियो मैंने उस चैनल पर अपलोड की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इंस्टाइड क्रिएट तिवारी 24 है गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।